से क्या लेना मैं तेरी भक्तजन की बात हो रही है यहाँ पर एक भगत अपने प्रभु को ये कहता है कि मैं तेरी तू मेरा दुनिया से क्या लेना अगर सच्चे दिल में सच्चे दिल से प्यार हो प्रभु के प्रति प्रभु खुद चलकर आपके समक्ष आता है आपका स्वागत है कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों चिराग किताब में से ली गई आज हम बात करेंगे कविता जिसका नाम है भक्तजन भक्त बहुत भक्त हैं। मंदिर में जाते हैं कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं हर तरह की वो पूजा करते हैं कि कैसे हमें प्रभु मिल जाए लेकिन भगवान उसी को मिलता है जिसके दिल पे सच हो सादगी हो प्यार हो एक दूसरे के प्रति सहयोग हो दुआएं हो दुआएं का दुआओं का लेन देन हो तभी भगवान हमें साथ में मिलता है नहीं तो नहीं भगजन के बारे में हमारे मेहमान जो पठानकोट से आए हुए हैं यशपाल शर्मा जी उन्होंने क्या लिखा है ये हम उनसे ही जानते हैं आइए स्वागत करते हैं हम उनका यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टडी में बुलाया अभी मैंने चंद लाइनें गाई <coughs> शायद ही आपको अच्छी लगी या नहीं लगी क्योंकि मेरा इतना सुरताल तो है नहीं आ, लेकिन फिर भी कोशिश की इसलिए क्योंकि हमने ये, मैंने ये किसी के प्रति नहीं गाया। आपकी ये कविता भक्त जन जो मैंने पढ़ी मैंने ये प्रभु के लिए गाया कि अगर हम भगवान को सच्चे दिल से याद करें तो वो हमारे साथ होता है मैं तेरी तू मेरा दुनिया से क्या, क्या लेना और जीवन अगर हमें सच्चे सादगी से बिता रहे हो तो भगवान हमारे साथ पग पग चलता है कहते हैं ना भगवान को उठते बैठते चलते फिरते याद करो तो प्रभु तुम्हारे साथ होता है बिल्कुल आपने ये भक्त जन के बारे में क्या कहा जो भक्त हैं ये परम पिता परमेश्वर की एक वो ऐसे जीव हैं जो उन्हें सब कुछ मानते हैं जी ईश्वर तू विश्व निंता है तू विश्व को बनाने वाला है चलाने वाला है तू ही शिव है तू ही शंकर है और तू ही विष्णु है और तू ही ब्रह्मा है मैं गीता में देख रहा था कि गीता में भगवान कह रहे थे कि हे अर्जुन एक परम परमात्मा जो है वो ब्रह्मा रूप बनकर के संसार की सृष्टि करता है और विष्णु रूप बनकर के वो उसकी पालन करता है और शंकर बनकर के बंथ में उसका विनाश करता है प्रलय करता है तो हूं मैं एक ही गीता के ठार में अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन तू तो मुझे एक को मान तुझ में एक को सर्वस्व मेरे आगे तू तो समर्पण कर दे तू युद्ध भी कर और मुझे याद भी कर और जो करता है वो सब कुछ मेरे अर्पण करता है गीता के बारे में, में भगवान कहते हैं कि जिस ज्ञान के बारे में हमें मर्म मर्म से ज्ञान नहीं है उस ज्ञान से ध्यान करना अच्छा है और ध्यान से त्याग अच्छा है और त्याग करने से आदमी को मानसिक शांति मिल जाती है महात्मा बुद्ध के जीवन को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि महात्मा बुद्ध दिन में अनेक बार वो योग करते थे उसको उसके साथ चित्र लगाए रखते थे और हमारे जो ब्रह्मा कुमारी मिशन है इसमें भी कुछ देर के बाद कुछ थोड़ी वहां पे जो प्रोग्राम होता है उसमें थोड़ा चाहो उसमें गैप देकर के फिर कहते हैं कि मिनट दो मिनट के लिए उसे कहते हैं कि ध्यान परम पिता परमेश्वर का ध्यान करो जी और भगत जो हैं वो जैसे कि भगत रविदास जी ने भक्तों के लिए भगवान के लिए भक्त उसके एक कंपैरिजन किया है उसने कहा है कि जो भक्त हैं वो तू तू जंगल है और जो भक्त है जो मोर है hmm. तू चंदन है और तेरे भक्त पानी है तू मोती है तेरे भक्त जो है वो धागा है <laughs> और वो देवी से कहते हैं कि तू देवी की वो रोशनी है और हम उसके पतंगे हैं तू चांद है हम उसके हम उसके चकोर हैं hmm. तो ये एक अनन्य प्रेम भक्त और ईश्वर का एक अनन्या प्रेम होता है ये एक जन्म की बात नहीं होती है ये जो रंग है जी धीरे धीरे लगता है इंसान को एक जन्म के बाद दूसरे के बाद तीसरे जैसे जैसे उसका भगवान के साथ नाता बनता जाता है प्रेम का नाता बनता जाता है और उसी तरह जो भगवान हैं उसके निधि आने शुरू हो जाते हैं गीता भगवान ने कहा है कि जैसे कोई साधक भक्त ज्ञानी ध्यानी मुझे याद करता है उसी तरह मैं भी उसे याद करता हूँ कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है इंसान दिल से भगवान को चाहता है पर आपने ये जो कहा कि तुम मुझे दिल से याद करो हाँ। मैं तुम्हें भी दिल से याद करूंगा हाँ। लेकिन आजकल मैंने आपकी पहले भी एक जो कविता पढ़ी थी धर्म ग्रंथ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था हाँ। कि आजकल हर एक व्यक्ति अपने अपने ग्रंथों को लेके बैठा हुआ है हर एक अपना अपना मंदिर बना के बैठा हुआ है हर एक एक अपने-अपने मंदिर में जाके अलग अलग तरह से पूजन करता है जी। तो वो कैसे किस तरह से हम भगवान को करें क्योंकि मेरी संतुष्टि कहीं मुझे मिल ही नहीं रही है अगर हम योग करें योग में भी क्या चीज ढूंढे ऐसा और अब मंदिरों में भी जाएं तो मंदिरों में भी सबसे पहले वो पंडित ये कहता है कि भाई आप इसमें एक पूरा वो जो गड़बी होती है एक दूध की चढ़ाओ क्या भगवान ने ऐसा कहा क्या वो बिल जो हम शिवरात्रि के दिन लगाते हैं बिल हो गए पत्ते हो गए वो सब हो गए आप सभी जो भी अनुभवी व्यक्ति कहते हैं कि गीता में ऐसा कहा गया भागवत गीता में ऐसा कहा गया उस ग्रंथ में ऐसा कहा गया लेकिन आज जो कहने वाला है वही अमल नहीं करता है तो उससे जो छोटा व्यक्ति है वो कैसे उस चीज को अमल करेगा मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी भगवान ने एक बात कही है गीता में कि जो एक बड़ा आदमी जो करता है जो उसके पीछे है वो से देख करके करते है उससे इसके साथ में आपकी बात का ये जवाब दूंगा कि मंदिर हो या मस्जिद हो गुरुद्वारा हो और चाहे एगिर जाकर हो सब एक आस्था है अगर इंसान को इंसान ही नहीं समझा मानवता का राह ही नहीं पकड़ा यो हमारे आधारभूत जो सारे धर्म ग्रंथ जो सारे पीर पगंबर जो कह के गए हैं जी वो एक ही बात कह के कि एक नूर सब में व्याप्त है आत्मा के रूप में तो फिर अलग अलग क्यों बनाया गया बस यही तो उनकी समझ की कमी है <laughs> कबीर साहब ने कहा एक राम सबहन में देखा कहे कबीर मनमाना और बाबा नानक जी कहते हैं कि अब्बल अल्लाह नूर जो पाया कुदरत के सा बंदे एक नूर से सब जग उपजा को पले को बंदे एक नूर से ही सब कुछ है एक शिव से ही सब कुछ पैदा हुआ है सब में उसी जैसे एक सूर्य है अनेक घटक हैं पानी से भरे हुए और हर गठ में सूर्य दिखाई दे रहा है इसी तरह से जितने पृथ्वी के ऊपर नर नारी हैं वो सब में उसका नूर बरस रहा है जब ये बात समझ आ जाती है तो उसे ये जो पखंडा बात से वो सारे परे हो जाते हैं ये सारा पखंड है कि मैं इस धर्म का मैं ठेकेदार हूँ ये धर्म की ठेकेदारी लेके बैठ के हैं उनमें एक स्वार्थ है उनमें वो चीज जो आनी चाहिए वो आई अभी नहीं है नहीं। अभी उनकी आंखें जो है बनाने वाली हैं जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे धुंधला धुंधरा दिखाईता पूरा दिखाई नहीं देता नहीं देते। तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है कि तुम्हारी आंखों में मोती ओबराया ऑपरेशन की जरूरत है जो धर्म के ठेकेदार है अगर वो सच्चे हैं तो वो ठेकेदार नहीं बनते वो कहते नहीं मैं सेवादार हूँ मैं मैं चौकीदार हूँ मैं मैं मुनीम हूँ वो मालक बन करके बैठ गए हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं वो ये दुनिया को समझना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है आज हर नार नारी कोई अनपढ़ नहीं रह गया है वो पुराना जमाना चला गया जब स्त्री पुरुष अनपढ़ होते थे और दुनिया जो थी वो जैसे वो कहते थे वैसे वो करते थे आज नहीं हर हर आदमी आज पढ़ सकता है देख सकता है समझ सकता है कि जो मुझे उल्लू बना रहा है समय तो अपने काम करनी चाहिए ना हमारे पास एक नरदारी ही ऐसे हैं या इंसानी जमा ही एक ऐसा है जिसे भगवान ने बुद्धि दी है ठीक और गलत हम समझ सकते हैं तो ये तो और फिर बाबा नानक को जब पूछा गया कि हिंदू बड़ा जो मुसलमान उसने कहा ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान है जिसके जीवन में अमल हैं युधिष्ठर की बात करते हैं जी तो द्रोणाचार्य जी ने उन्हें कहा सबको सिखा रहे थे राजाओं के बेटों को राजकुमारों को कि बेटा सदा सच बोलो तो दूसरे ने सबने कह दिया हाँ जी गुरु जी आपने कहा था सदा सच बोलो युधिष्टर ने कहा जी मुझे अभी याद नहीं हुआ वो महीना पर ऐसे चलता रहा तो एक दिन गुरु जी ने उन्हें दंडित किया कि बेटा तू राजकुमार है तुम्हें इतनी बात भी जा याद नहीं हुई उसने गुरु जी याद तो हो गई है किंतु अमल भी अभी नहीं आई है बात वो अमल की है इसीलिए उन्हें कहते हैं धर्मपुत्र थे वो उन्हें कभी झूठ नहीं बोला जी, तो बात वो जी आपने समझ की है दुखा किसे देना है ऐसा ग्रंथ साहब ने कहा गया है कि ए मेरे नेत्रों तुम जिधर भी देखते हो उधर ही हरि का रूप है जब सभी भगवान का रूप हैं तो फिर दो का छल किससे जो जो छल फरेब करता है वो अपने से ही तो कर रहा है कितने दिन अपने आप को छलेगा वो कितने दिन एक कितने दिन वो दूसरों को बेवकूफ बनाएगा एक दिन जो उसका जो पर्दाफाश हो जाना है और फिर वो आदमी मुँहछापा करता है जी मेरी चोरी पकड़ी गई आदमी जो चले सरल चले सबके साथ एक संभव रहे गीता में कहा है कि सब में मैं उनमें आत्म रूप में मैं आत्मरूप हूं जब सब परम पिता परमेश्वर का पास है आत्म रूप में आत्मा के रूप में फिर कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन गरीब है कौन अमीर है सब एक समान सब एक समान है सब सम भाव से महात्मा बुद्ध ने कहा कि आदमी आदमी में करना होना होनी चाहिए करना हो प्रेम हो समानता का भाव जी, हो। जी, जी। और सत्यता हो हम और रुपये के ऊपर जो हमारा हमारी करेंसी जाए, में जाएंगे। हमेशा सच की जीत होती है, झूठ कितने आपकी बात कहीं तक सहमत में मानती हूँ लेकिन जिस हिसाब से आजकल का समाज है हर जगह एक भगवान को पाने के लिए भटक रहा है फिर भी उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही अंदर का सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे पर पहले आपकी पंक्तियां में करती हूं। पूरे, पूर्ण प्रकाश है भक्त है भक्त उसके दीप समान सागर अतल असीम वह भक्त प्यारे बूंद समान तू ज्ञान मोक्ष आधार प्रभु सुंदर तेरे भक्त विचार सत्य शांति सुख धाम तू संत फकीर स्वप्न साकार तू विश्व नियति सूत्रधार शास्त्र जीवन रचना का आधार कृपा दृष्टि जब तेरी होती होता भक्त भव सागर पार शीतल विधु किरण जाल भक्त जन है तेरे चकोर मंगल मय तू प्रातः काल प्रेमी भक्त है तारा भोर मनमोहक तू है चक्षुरूप संत है उसमें बसा बिलाप वियोग न तेरा स पाता जब नैनो भरती अशुरधार समय समय पर भक्तों ने तेरी महिमा यश को गाया समर्थक् शक्ति की जग रचना बार बार है बोध कराया यहाँ पर आपने भगवान को कृपा दृष्टि भी दर्शाया ही ही साथ शीतल विधु किरण जाल भी बताया भक्त जन है तेरे चकोर आपने भक्त जन को उसके चकोर भी बता दिया और कभी कभी आ, आप आ, आ, आप जैसे जो लेखक कार हैं वो कहते हैं हम प्रभु को याद करेंगे प्यार करेंगे तो प्रभु हमारा होगा आप ऐसा भी कहते हैं साथ ही साथ नैनो बहती असुरधार तो नैना जब हमें दुख होते हैं हमारी आंखों से पानी निकलता है हम भगवान को तब याद करते हैं और भगवान भी जहां तक मैं एक बात कहूं हम कितना भी कुछ कर लें हट फिर के हार के व्यक्ति यही बोलता है कि भगवान हमारी मदद नहीं करता है तो उस समय हम भगवान के लिए क्या करेंगे कैसे भगवान हमारी मदद करेगा कैसे हम एहसास करेंगे साथ है कैसे मैं मानू कि प्रभु मेरे साथ चलता है कैसे मैं मानू कि प्रभु मेरे हर काम में मेरे साथ चलता है ये विश्वास है मीरा का जीवन हम देखते हैं और उसने साक्षत जो साक्षात जो अनुभव करवा दिए कि भगवान उसके साथ है मीरा को मारने के लिए उसके देवर ने क्या कुछ नहीं किया जी शाम तक गड़े में डाले थे कि जिसे डस खाएगा और जे मर जाएगी एक कलंक जो हमारे परिवार में आया है कहाँ हम राज वो राणे राजे और कहाँ ये वो संतों के दो दो पैसे के आदमी के साथ ये चली फिरती है उनके बीच में बैठती है उन्हें ये नहीं पता है कि जो जो बैठे हुए हैं ये ईश्वर के ईश्वर के प्यारे भक्त हैं जो ईश्वर की अपनी सही मैंने वो औलाद है और लाद सही मैंने वो है जो अपने बाप के कहने के अनुसार चलती है तो वही जो जो सांप था वो फूलों का हार देखा और उसे मारने के लिए जहर दिया गया और वो क्या बन गया वो अमृत बन गया तो इसी तरह से हम लेते हैं भक्त प्रहलाद को ले लो ध्रुव को ले लो वो तो बाल का रूप थे तो इसी तरह से हम आ, हम जब ध्रुव की बात करते हैं मां ने उसे गोदी से उठा दिया कोभी माता थी उसने कहा ये तुम ये तुम्हारा बाप नहीं है ये जे मेरे बेटे का बाप है तो वो अपनी माँ के पास जाता है माँ मुझे अपने बाप की ए, मुझे पिता श्री की गोद से इसने उठा दिया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम तो उस बाप की गोद में जाकर के बैठो जिसे जिंदगी में कोई तो उसे उठा ना सके तो बच्चा माँ की बात सुन करके वो जंगल को चला गया आगे चलते हैं तो उसे नारद मिलते हैं कहते बेटा कहाँ जा रहे हो ध्रुव कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे है मेरी भी माता ने मुझे बाप की गोद से उठा दिया मैं असल बाप की गोद में बैठना चाहता हूँ तो उसने कहा कोई बात नहीं है उसने उसे वो मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव आए जाओ जाकर के उसे पढ़ो बच्चा बैठ के आओ लीन हो जाता है बार चांदी तूफान जे कुछ आता है मगर नहीं उसकी उसकी जो उसकी जो लगन है जो तार है उस परम पिता परमेश के परमेश के साथ जुड़ी हुई है आखिर भगवान प्रकट हुए उसे आवाज देते हैं बेटे आंखें खोलो किंतु बेटा जो था अंदर में अंदर जो प्रकाश चल रहा था जो वो उसे देख रहा था भगवान के जो अंदर की लाइट बंद की आंखें खोली सामने उसके वो थे तो ये एक आ, एक विश्वास है कि छोटे बच्चे का भी इतना विश्वास है मान लिया अगर छोटे छोटा बच्चा भगवान को प्राप्त कर सकता है किंतु बात हृदय के साफ होने की है मन के साफ होने की है, हृदय होने की है, मान लिया को सकता है। मान लिया आपकी बात को मैंने। हाँ, जहां तक एक थोड़ा सा अजीब सा एक क्वेश्चन है, हाँ, कहते हैं श्री राम भगवान हाँ, भगवान शब्द जोड़ा गया है उनके हाँ, साथ माना वो भगवान लेकिन फिर भी उनको इतने दुख मिले इतने दुख उनको सहन करने पड़े किस कारण क्योंकि जहां तक कहा जाता है कि भगवान तो दुखों को हरने वाला है सुख देने वाला है तो उनको किस बात का? वो वो चौदह साल का बनवास किया उन्होंने साथ ही साथ सीता माता भी कहते हैं कि सीता माता के ऊपर उन्होंने एक उनको एक कुछ समय के लिए भी उनको त्याग दिया था कि आप ऐसा हो तो क्या भगवान के अंदर भी ऐसे विचार आ सकते हैं ये एक रचना है ये भगवान की एक रचना है कहते हैं कि भगवान जो थे जो शिव हैं ये निराकार स्वरूप में थे ये धुंधुकार में थे ऐसा हमारी धर्म ग्रंथों में आता है धुंधु करा था प्रकाश बीज में था और चारों चारों तरफ एक धुंधी धुंध थी तो ईश्वर को याद आया शिव को याद आया कि मैं अकेला हूं मैं को रचना करूं तो उसने अपना स्वरूप विष्णु का बनाया विष्णु का स्वरूप बना करके उसे कहा जाओ तपस्या करो विष्णु को आदि देव कहा जाता है वो पहले मानस देव में शिव ने विष्णु को पैदा किया तो वो कल्पों तक वो ध्यान करते रहे शिव का ध्यान करते रहे फिर उसे हुक्म हुआ कि कुछ बोलो तो ऐसा कहते हैं कि जो शब्द उस समय उसमें विष्णु के मुंह से निकले वही हम कई ग्रंथों में पाते हैं कि ये गुरु लोग भी उनको दीक्षा देते हैं और जैसा जैसा भय उसने कहा कि सृष्टि की सर्जना करो जैसे जैसा भाव उनके में आता गया वैसे वैसे सृष्टियों का निर्माण होता गया बात आ रही है श्री रामचंद्र महाराज की उसे हम हमारे इतिहास में हमारे हिंदू हिंदुओं के सामने वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है जी जरूर। परिवार कैसा हो बेटा कैसा हो भाई कैसे होने चाहिए पत्नी कैसी हो बाप कैसा हो वो सारा उसमें एक आदर्श है एक लाइट स्तंभ है हमें जीने के लिए कि उसकी बिमाता ने चाहा कि ये चौदह साल के लिए जाए क्यों वो चाहती थी कि मेरा बेटा भरत यह राज्य करे इसका अयोध्या के ऊपर ये राज करे वो उसे राजा बना देखना चाहती थी उसने भी माता के कहने पर उसने अपराजय को छोड़ दिया ये नहीं है कि बाप के साथ लड़ाई करता जब वो झगड़ा करता परिवार में कोई बात नहीं है उसने सहर्ष स्वीकार करके उसने जंगलों की तरफ प्रस्थान किया और माता जो थी उसने कहा कि तू अभूषण पहन करके जा रहा है जंगलों में ऐसे बढ़ गया तू उसने सब त्याग करके एक ब्रवासी का रूप धारण किया और सीता एक छाया की तरह उसके पीछे चली कि जहाँ पति है वहाँ उसकी अर्धांगनी है उनके ऊपर भी कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा उन्होंने लांग दी ऐसा तो, कहते हैं मतलब बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं। कहानियां तो बहुत हैं। जी। किंतु ऐसा कहते हैं कुछ नारी है जो चंचल मना होती है कभी कभी नारी को बात मान लेनी चाहिए अगर कोई सियाना बुजुर्ग कहता है तो उसकी बात को जो कहता है वो तयरबे से कहता है और ये भी कहते हैं कि जो लक्ष्म रेखा थी कोई ऐसी चीज थी उसकी लकीर थी जैसे ही रावण वो अंदर पैर करता था उसको पैर जलता था वो पैर पीछे कर लेता था उसकी हिम्मत नहीं थी उस लकीर को पार कर लेता और एक बड़ी ताजुब की बात है कि जो वहाँ पे एक राक्षस के रूप में राक्षस का एक हिरण का सोने का हिरण के रूप में जो वहां पे राक्षस आया तो सीता माता ने अपने पति को कहा कि महाराज मुझे मुझे जो सोने का हिरण देखा है इसके इस, इसे ला के दो ये एक विडंबना है कि सोने का हिरण तो हो ही नहीं सकता सोने का हिरण होगा तो कैसे भागेगा वो हाँ ये जब भी कोई समय ऐसा आता है बुरा समय आता है तो उस समय आदमी की जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है समय हमेशा ही बदलता है एक जैसा कभी नहीं रहता और लक्ष्मण की बात ना मानना जब लक्ष्मण ने ये कहा था लक्ष्मण को कहने लगी कि आप भाई गया है तो उधर से आवाज़ आती है उसने कहा कि पता नहीं किसने तुम्हारे भाई को कुछ कर दिया है उसकी आवाज़ आ रही है तो कहता नहीं भाभी जी उसे कोई नहीं मार सकता उसने कहा कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो मेरे ऊपर है तुम्हारी तुम्हारी आंखों में बिलासता है तुम मुझे चाहता है तो आखिरकार लक्ष्मण को जा जाना पड़ा और लकीर खेदे के भाभी जी कुछ भी हो इस लकीर को पार नहीं करना है वो उसी लकीर पार करने का उसे फल था कि उसे रावण ने उसको उठाया और ऐसी कई उदाहरणें हम अब अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि रावण उसको ले जाता है और इतने बड़े राजा की से कहता है कि मेरी पत्नी बनो सीता अपने जो सती तप के ऊपर वो कायम रहती है कि कुछ भी हो जाए मैं मैं तुझे पति स्वीकार नहीं करूँगी हनुमान जब वो उसे जाकर के अपनी चूड़ा बनी गिराता है अपनी निशानी देता है उन्हें दे देती है कि माता माया हूँ आप मेरे पीठ के ऊपर बैठो मैं आपको भगवाराम तक पहुंचाऊंगा उसने कहा मैं सती नारी हूँ मैं पर पुरुष का जो शरीर है वो वो स्पर्श नहीं कर सकती कहाँ वो नारिय कहा नारिय मैं सवित्री की बात कर रहा था कि एक जो नारी है वो एक शक्ति रूप है शक्ति के बिना घर नहीं चलता संसार नहीं चलता जब प्रजापति ब्रह्मा कुमारी मिशन देखो कैसे साफ सुथरे ढंग से चल रहा है जहां सरलता है समानता है स्पष्टता है और तो और हमारे उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी का मैं बयान पढ़ रहा था उसने कहा नारियों की बात करते हो जाकर के ब्रह्मा कुमारी मिशन देखो देखो कैसे चलाया है नारियों ने कैसे चलाया है आप नारियों को क्या कोई अबला समझते हो अब। आप नारी शिक्षित है वो पुरुष से भी ज्यादा चतुर है तो भक्तों की बात आ रही है भक्त जो है हाँ उनको जैसे, जैसे वैसे नहीं चाह सकते। जी मतलब हाँ, आपका कहना श्री राम के हिसाब से भी वही था कि उन्होंने सत्य के साथ वो रहे तब हाँ, वो एक भगवान का, भगवान का के रूप में वो माने जाते हैं जी, यहाँ पर जैसे कि आपने बोला कि भगवान के बारे में आपने कुछ एपिसोड पहले एक सन्यासी की बात की थी कि इंद्रदेव के बारे में कुछ कहानी आपने बताई थी कि ऐसे करके एक सन्यासी थे और उनकी पत्नी थी जो अभी सवेरा भी नहीं हुआ था और इंद्रदेव ने ऐसा किया एक भरोसा की, भी गौतम की एक भरोसा होता है हाँ। अगर वो एक सन्यासी सच साधक थे हाँ। तो उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा जो आ, उनको श्राप दे दिया हाँ। क्या वो विश्वास <coughs> नहीं कर सकते थे

कड़बे निकलते हैं विशाले निकलते हैं हाँ वो स्त्री को देखिए ना कितने समय तक हाँ। वो एक पत्थर की मूर्ति बन के रहना पड़ा हाँ। भले ही फल क्या मिला वो अलग बात वो एक अलग बात लेकिन है लेकिन एक विश्वास लायक एक बात भी हाँ। थी आपकी ये भगत जन अभी अधूरी है जी हाँ <laughs> आपकी कविताएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हम क्या करें हमारा समय खत्म हो जाता है लेकिन आपकी कविताएं खत्म नहीं हो पाती है अगली कड़ी में हम इसको फिर से जारी रखेंगे आपकी भगत जन चिराग किताब में से ली गई है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं जहाँ तक आपने बोला कि आप सरस्वती हाँ। आपके साथ है शायद तो नहीं कहती पक्का है कि सरस्वती आपके साथ ही मेरे साथ है मैं मानता विश्वास की बात आस्था जी, जी, की बात है अगली कड़ी में भक्तजन को दोबारा हम पंक्तियों के साथ लेंगे आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मित्रों भगत जन अभी अधूरा रह गया बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आते हैं लेकिन प्रश्नों से पहले हमारे जो मेहमान है उसका आंसर दे देते हैं उत्तर दे देते हैं मुझे लगता है मेरे मन की बात पहले वो जान लेते हैं ताकि मैं दूसरा प्रश्न ना करूं भगत जन आगे की कड़ी में फिर से आपके समक्ष लेके आएंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति